हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जैसे कोई भी स्पेसिफिक कंपनी, जैसे आईफोन को ही बात करते हैं, तो आईफोन कुछ भी कर ले उसे सैमसंग की आवश्यकता होगी, या जैसे माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स लगभग सब कुछ कर लेगा फिर भी उसे चाइनीज कंपनियों की आवश्यकता होगी। मतलब ये स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक सबसे बड़ी बात है, किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी को मतलब अलग से एकदम सारा कुछ बना लेना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। क्योंकि जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है फ़ोन में आएगा तो बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी माइक्रोमैक्स ने दो फ़ोन निकाले, एक की तो बैटरी इंडिया में बन पाई लेकिन दूसरे की चाइना से ही मंगवानी पड़ी। तो सारे प्रोडक्ट्स अपने पास बनाना एक बड़ी टास्क और बड़ी बात होती जा रही है, लोग नहीं बना पा रहे। जैसे एक सबसे बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, सैमसंग की बात करते हैं। सबसे पहले सैमसंग की बात करते हैं कि सबसे पहले जब सैमसंग आया तो वो स्मार्टफोन मार्केट में इतना अच्छा नहीं था, वो स्मार्टफोन नहीं बनाता था, स्मार्टफोन बनाता नहीं था, या उसके स्मार्टफोन पहले अच्छे भी नहीं आते थे। सबसे पहले सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा काम करने के बाद वो फिर स्मार्टफोन में आने लगा और धीरे धीरे स्मार्टफोन मार्केट में भी अपनी पैर जमा लिया। आज हमने शुरुआत में एक बात आपको बताई कि आईफोन को सैमसंग की ज़रूरत है। इतनी बड़ी कंपनी अगर आईफोन को कोई टक्कर दे रहा है तो सैमसंग भी टक्कर देती है, क्योंकि उसके फ़ोन भी एक्सपेंसिव होते हैं, अच्छे होते हैं, कैमरा प्रोसेसर सारा कुछ अच्छा होता है, लेकिन टक्कर उसी की। लेकिन ज़रूरत भी क्यों ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरत इसलिए है कि आईफोन डिस्प्ले नहीं बनाएगी, आपको मालूम है आईफोन डिस्प्ले नहीं बनाएगी, और सैमसंग के अच्छा डिस्प्ले किसी के नहीं होते। तो ऐसा तो नहीं एक दिन में सैमसंग के डिस्प्ले सबसे अच्छा हो गए। सुपर एमोलेड डिस्प्ले अगर लगाना है किसी भी कंपनी को तो सैमसंग के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग एक चीज़ कहते हैं कि ट्राई एंड टेस्ट। जिस चीज़ को एक बार ट्राई कर दे, टेस्ट कर दे, फिर उसके बाद वो अपने फ़ोन्स में लाती है। ऐसा नहीं कि पहले बार अपने पास इंट्रोड्यूस करते। जैसे सबसे पहले 104 मेगापिक्सल कैमरे की बात होगी तो वो Xiaomi को दे दिया, आपने यूज किया, फीडबैक्स लोगों के अच्छे आए, क्वालिटी अच्छी नहीं कर रहे, अपने फ़ोन्स में देने लगी। वही बात है, जब सुपर एमोलेड डिस्प्ले सबसे पहले आपको मालूम है कौन से फ़ोन में आया था? नोकिया के फ़ोन में आया था। जब आईफोन 10 बनाना शुरू हुआ तो गूगल और एप्पल और LG मिलकर, LG के साथ पार्टनरशिप भी करके सुपर एमोलेड डिस्प्ले बनाने की बात की कि इन तीनों कंपनियों को मिलकर तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले बनाते हैं, जो सैमसंग की मोनोपोली क्रिएट होती जाती है इसे ख़त्म करने के लिए। लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया, क्योंकि जो वो लोग मोनोपोली ख़त्म करना चाहते थे, देखिए डिस्प्ले आज कोई जैसे इतनी बड़ी कंपनी आईफोन एक दिन क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, क्योंकि देखिए उसमें बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगेंगे। पहले तो रिसर्च करना, प्लांट से बैठाना, सारा कुछ करने के बाद प्लांट फेल हो गया तो, क्योंकि ऐसा ऐसे थोड़े से पैमाने इधर के उधर हो गए तो सब कुछ सत्यानाश हो सकता है। मशीनें बैठा लेना सबसे बड़ी बातें होती, वो टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए और उसका पेटेंट भी आपको कराना पड़ेगा। तो पहले तो आप रिसर्च करेंगे, सब कुछ करके तैयार होंगे, आपकी कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी सैमसंग के, तो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो यही बात होती है कि आईफोन बना सकती है, लेकिन इसीलिए डिस्प्ले के लिए उसे सैमसंग के पास जाना पड़ेगा। आईफोन इतनी अच्छी कंपनी है जिसे हम चाइनीज फ़ोन चल गया तो शाम तक न चला तो चल गया तो चाँद तक न चला तो शाम तक कहते हैं, उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाती, अच्छे से नहीं बनाती। अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, चल नहीं पाते, सस्ते नहीं पड़ते, उसे चाइना जाना पड़ता है। तो यही बात है, कोई भी एक स्पेसिफिक कंपनी चाह कर भी हर कुछ अपने से नहीं कर सकती, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आईफोन इतनी बड़ी होते हुए भी उसे डिस्प्ले के लिए सैमसंग के पास आना है, माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी होते हुए चीनी कम चाय में कुछ भी कह लें लेकिन उसे चाइना जाना ही पड़ेगा प्रोडक्ट्स लेने के लिए। हो सकता है कि चाइना जाए, ताइवान जाए, और कहीं जाए, चाइना ही नहीं कहीं और से लाना पड़ सकता है। सिर्फ कोई भी एक देश स्पेसिफिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए सोचे कि हम पूर्णतः अपने देश में ही सारा कुछ कर लें तो लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारी चीज़ें अभी सस्ते दाम में उपलब्ध होना एक ही जगह पर इतना आसान नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता, और इसलिए सारी कंपनियों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। धन्यवाद, इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।